हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। में आपका दिल से स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। भगवान करे आप लोग हमेशा खुश रहे और इस दोस्त इस बहन को आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। कंटिन्यू रहिए आप लोग, जो जैसे होता है सब कुछ दिखाऊंगी। तो फटाफट कंटिन्यू रहिए आबरा का डाबरा। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये हमारा बिस्तर है और बिस्तर का हाल देखिए कैसा लग रहा है। बिल्कुल एकदम से उधेर फुधेर कर नाश कर रखे हैं बच्चों ने। सब सब अभी बैठे उठे थे, खाए पिए हैं, तो ऐसे के ऐसे पड़ा हुआ है ऐसे बिल्कुल ही। अब बच्चे भी गए, मेरे हस्बैंड भी गए हैं घूमने उमने, तो अब फटाफट से बच्चे की मम्मी और हस्बैंड जी की पत्नी जो है वो फटाफट से लग जाएगी काम पे। तो देखिए फटाफट ये दोस्तों टंडाना कैसी लग रही है। आप लोग सोचेंगे ये कैसे रजाई है, कैसे ओढ़ते हैं, कैसे ये हमारा रजाई है जो कि हम साड़ी का कवर लगा रखे है। देख सकते हैं आप, क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं था तो हम पहले साड़ी का कवर ही लगा के उड़ते थे। हमारे पास इतना वो नहीं था जो हम कवर खरीदते और लगाते नहीं, तो हमने पिछले साल कवर लिए थे। अब गर्मी आ गई है तो आज हम इसको निकाल के धो दिए हैं। देख सकते हैं बड़े मुश्किल से हम लिए थे पिछले साल, इसको धो दिए हैं और निकाल रखे हैं इसको। इसको फोल्ड करके कल हम इसको पलंग के अंदर रख देंगे इसको, और इसको जो है ना अलग से पन्नी में डाल के और इसको हम रख देंगे। तो आज हम नहीं लगाएंगे इसको, पन्नी में डाल के रखना है इसको, कल सुबह हम रखेंगे इसको। और दोस्तों बच्चों का शरारत का क्या कहना, बच्चा तो कितने नटखटी शरारती होते हो तो आप लोगों को पता ही है। तो इधर देख सकते हैं पूरा का पूरा कॉपी किताबें कपड़े लत्ते सारा के सारा ऐसे ढेर लगा रखे हैं। देख सकते ये देखिए थोड़ा बहुत बड़ा सा ढेर, इधर जीन्स गिरा हुआ, इधर भी कॉपी किताब ऐसे के ऐसे पड़ा हुआ है। अभी मम्मी लग रखी है काम में, देख ही सकते हैं आप। और हम आ गए अपने प्यारा सा किचन में, जो कि देख सकते हैं हमारा ये प्यारा सा किचन है छोटा सा। टंटना देखिए कितने सारे हम बर्तन वगैरह डिब्बे जो होते हैं जितना है वो सब लगा रखे हैं। एक दिन ऐसा था जो हमारे पास एक गिलास भी नहीं हुआ करता था, भगवान की दया से जैसा भी है थोड़ा बहुत जो भी भगवान दिए हैं है हमारे पास, इतना तो हम हो गए हैं जो देख सकते हैं। अभी तो फिलहाल में अभी बहुत सारे काम पड़ा हुआ है जो कि मुझे फटाफट से करना है। हो ये देखिए किचन कैसे हो रखा है। तो दोस्तों देख सकते हो आप बर्तन के ढेर कितने सारे हैं। ये देखिए पूरा सिंक भरा हुआ है जो कि सबने खा पी लिए हैं, पूरा के पूरा मैंने खाली करके और रख दी हूँ, और फटाफट से इसको हम धोएंगे धो लेंगे फटाफट। इधर देख सकते हैं मैंने आलू उबाल रखे थे सुबह सब्जी के लिए, तो उसमें से मैंने दो आलू रख ली थी। ये आलू है इसलिए क्योंकि हम सोचे थे गोलगप्पा बनाएंगे दिन में, तो आज तो गोलगप्पा बना नहीं, सबने ऐसे ही खा लिए चावल वगैरह तो नहीं बनाए। और बाहर का लाइट हमने जला दिए देख सकते हैं। और ये हमारा कमरा पीछे का है जो कि अंधेरा हो चुके है। अंधेरा इसलिए है क्योंकि बल्ब इस कमरे में आज नहीं है, बल्ब हम उतार लिए थे, मतलब जो नीचे है ना उनके बल्ब खराब हो गया था, तो इस कमरे का उतार के जब तक कि हम लोग काम चलाने के लिए नीचे लगा दिए हैं, तो इसलिए ये कमरा बिल्कुल अंधेरा सा है एकदम। ये तो छत की तरफ से मैं खड़ी हूँ इसलिए थोड़ा उजाला दिख रहा है, इधर घुमाऊंगी तो अंधेरा देखे। और इधर तो पीछे छत है देख ही सकते हैं, और कुछ ऐसा नजारा है छत का देख सकते हैं आप कितने अच्छे लग रहे हैं। शाम का टाइम हो चुका है और इधर जो हमारे भाभी वगैरह हैं उनके कपड़े हैं, इधर पीछे मेरे भी कपड़े बहुत सारे सूख रखे हैं जो कि मैं अभी उतारूंगी। और हवा भी चल रही है तेज तेज देख सकते हैं, और ठंड भी तो चली गई थोड़ी बहुत, ठंड अब है ही नहीं, ठंड समझिए तो बिल्कुल खत्म ही हो चुके हैं देख सकते हैं। और देखिए कैसे हवा चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है छत का नजारा देखने में। इधर देख सकते हैं गली की लाइट भी हमारी जल चुकी है, ये देखिए मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ के बगल में है वो। और ये जो हमारे बदरपुर बोलते हैं कि क्या बोलते हैं जो है यहाँ ही पड़ा हुआ है अभी दो दिन से, इसलिए क्योंकि मिस्त्री बोले थे आएंगे छत को ठीक करना है, इसलिए उधर कट्टे में सीमेंट देखिए पड़ा हुआ है। ये ऐसे है बच्चे कैसे कैसे उछाल फुचाल कूद कर रखे हैं बेकार इसको। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम कुर्सी अंदर कर देते हैं एक बार, अंदर कर दिए हैं इसको। अभी कपड़ा उपड़ा उठाना है सबसे पहले, तो मैं उसको थोड़ा झाड़ू से लेके और उसको थोड़ा हम अच्छे से कर देते हैं साफ सफाई, ये इसलिए क्योंकि फिर ये नुकसान होगा तो हमारा ही नुकसान होगा, बच्चे तो खेलते रहते हैं तो साइड तो कर ही देते हैं इसको।
चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको हम साइड में कर देते हैं। सारा दिन बच्चे यहीं पे खेलते रहते हैं, पूरे उछाल उछाल के उछाल उछाल के। बस तो दोस्तों ये तो हमारा हो गया, झाड़ू लगा दिए हैं तो आपरा का डाबरा। तो देखिए आप लोग, और दिखाऊं दोस्तों आपको रेत पे क्या क्या डाल रखा है, ये देख सकते हैं। ये क्या है, बच्चे ने क्या किया, झाड़ू को जो लगाने वाले तो उसको तोड़ के पीछे का ये लोहे निकाल रखे हैं। और दोस्तों ये देखिए डंबल, भारी भारी डंबल ये बच्चे ने बना रखे हैं। पता है आपको 5 किलो का जो नहीं सरसों का तेल का जो डब्बा होता है ना, उसके पीछे से काट दिए और पानी का पाइप जो होता है उस पानी के पाइप को डाल के तो ये बना दिए हैं डंबल भारी भारी। एक तरफ का तो हटा दिया है शायद, ये देख सकते हैं। और ये हमारे इसको क्या बोलते हैं, करनी बोलते हैं ना शायद, हाँ करनी बोलते हैं। फिलहाल हम इसी के ऊपर रख देते हैं और इस डंबल को भी साइड कर देते हैं बॉडी बनाने के लिए, थोड़ा सा हम भी बॉडी बना लेते हैं। इसमें कितना वजन होगा, मतलब हो जाएगा लगभग 5 किलो से ज्यादा है, मतलब 7-8 किलो तो लग ही रहे हैं, ये भारी साइज बहुत पूरा बना रखे। तो चलिए दोस्तों इसको हम कमरे में ही रख देते हैं, अंधेरा हो गया है। चलिए इस पे हम संदूक पे रख दिए हैं इसको। अब क्या करना है, थोड़ा सा हम कपड़े उतार लेते हैं, कपड़े उतार के पहले अंदर रख देते हैं और फिर जाएंगे हम किचन में, बर्तन वगैरह बहुत सारे धोना है, हमारे हस्बैंड जी के कपड़े, हमारे बच्चे के हस्बैंड जी के सबके। ये तो हमारी साड़ी है देख सकते हैं, चलिए साड़ी को भी फिलहाल नहीं उठाते हैं इसलिए क्योंकि साड़ी है ना तो उधर के छत से जो है ना थोड़ा सा ये घिराया हुआ है तो कोई दिखता नहीं है, उधर के लोग होते हैं ना दिखने लगते हैं, वीडियो बनाने में फिर दिक्कत हो जाती है। तो बाकी तो मैंने उतार ली हूँ कपड़े, फिर अंदर रख देते हैं उसको, साड़ी बाद में उतार लेंगे, यहीं तो रहती हूँ। इधर छत है और इधर रूम है, किचन सामने उसके साइड में रूम। अभी तो हम फिलहाल यही बिस्तर पे ही रख देते हैं और बाद में इसको जो है ना अभी थोड़ी देर में वो कर लेंगे। अभी तो सबने खाना वाना खाए हैं तो अभी तो नहीं खाएंगे, थोड़ी देर में खाएंगे वो लोग। तो रख दिए हैं, एक दो कपड़े ऊपर जो है टांग देते हैं मेरे हस्बैंड जी के, वो थक गया। बहुत मुश्किल होता है अकेले वीडियो बनाना क्योंकि मैं वीडियो अकेले बनाती हूँ, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता है और सबसे चोरी छिपी बनाने पड़ते हैं, किसी को पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों थोड़ा सा पानी को जो है ना खोल के बर्तन में रख देते हैं, थोड़ा सा बर्तन गीला हो जाएगा ना तो मतलब कि धोने में अच्छा लगेगा, इसलिए क्योंकि ज़्यादा वो सूख रखे ना, बच्चे बच्चे खा के छोड़ दिए थे ना तो सब में पानी डाल देते हैं, तो थोड़ा सा गीला होने के बाद जल्दी जल्दी फिर मांजने में बन जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों हम फटाफट से पानी डाल दिए, बर्तनों में भर दिया है, बस इसको 5 मिनट के बाद हम धो लेंगे क्योंकि अभी शाम हो गया है, बहुत सारे मुझे काम करना है, बर्तन धोने हैं, उसके बाद कपड़े उपड़े तय करने हैं, उसके बाद सब्जी काटना, रोटी बनाना, खाना बनाना, बहुत सारे बहुत काम है अभी। तो फिलहाल में अभी सब गए हैं ऐसे ही घूमने वूमने, तो अभी थोड़ा मैं सोची कि जो वीडियो शूट कर लेते हैं क्योंकि बहुत मुश्किल से मैं वीडियो शूट करती हूँ, टाइम नहीं मिलता है और सबके हाथ में फ़ोन होते हैं तो 2 मिनट का टाइम निकाल के फ़ोन को लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है और ऊपर से अकेले वीडियो बनाना बहुत मुश्किल। लेकिन मेरे अंदर जो जुनून है ना और वो जो एक चाहत होती है, एक फीलिंग होती है जो कि मैं कुछ कर के दिखाऊंगी, वो चीज़ है मेरे अंदर, तो मैं हार नहीं मानूंगी कभी भी, मेहनत कर रही हूँ मुकाम हासिल जरूर होगी। और आप लोग जो हमारे इतने अच्छे फैमिली बन चुके हैं तो वो किस लिए है, सपोर्ट तो करेंगे और सपोर्ट करते हैं तभी तो आज मैं जितना भी थोड़ा सा भी अगर एक पैरी से लेकर दूसरी तीसरी पैरी पे चढ़ी हूँ तो आप लोगों की वजह से ना। तो इसी तरह आप लोग अगर साथ देंगे सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है मैं और सीढ़ी ऊपर चढ़ सकती हूँ।
तो कंटिन्यू रहिए आप लोग दोस्तों। तो किचन से चलते हैं सबसे पहले अपने रूम में, और इधर तो जानते ही हैं मैं ऊपर ही रहती हूँ, किराए का मकान है हमारा, और इधर हमारा रूम है देख सकते हैं। तो दोस्तों हम अभी कहाँ बैठे हैं वो तो आप लोगों के कहने की जरूरत ही नहीं है, मैं अपने कमरे में आके और बैठ चुकी हूँ यहाँ पे। बहुत सारे मुझे अभी काम करना है जो कि अब मैं करूँगी, और थोड़ी मन किया तो आप लोगों तक आ गई, आप लोगों से हमारी बात होते हो गई तो मुझे भी अच्छा लगा, और आप लोग सपोर्ट करते हैं तो इसके लिए तो दिल से थैंक यू सो मच आप लोगों को। और क्या कहना है दोस्तों, तो चलिए बहुत सारे मुझे काम करना है, और बच्चे बच्चे पढ़ाई भी करेंगे तो फ़ोन भी मुझे उनको देना पड़ेगा। बहुत मुश्किल से मुझे थोड़ी देर के लिए फ़ोन मिलती है, फिर वीडियो बनाना, डालना, फिर उसको डिलीट करना, मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क जिसको बोलते हैं वो चीज़ मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल है। और दोस्तों क्या कह सकते हैं आप लोगों को, आप लोग तो खुद ही समझ सकते हैं, जो फैमिली वाले हैं वो तो खुद ही समझदार हैं और खुद ही समझ सकते हैं, तो मैं और क्या बोल सकती हूँ आप लोगों को। हाँ, मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहती हूँ, और मुझे कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मुझे लेना है अपने हस्बैंड के लिए, इसलिए यहाँ पे आई हूँ। और देखते हैं कब तक होगा नहीं होगा, आप लोग तो है ही, और मैं मेहनत तो कर ही रही हूँ, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है, मेहनत कर ही रहे हैं, जुनून है ही, बस दौड़ नहीं सकते हैं तो चल तो सकते हैं, चल नहीं सकते हैं तो कहते नहीं है कि ना में रेंग सकते हैं, लेकिन मंजिल पे पहुंचना है तो पहुंचना है। और हमारे टैग चैंपियन सपोर्ट जी जो है ना, उनका वीडियो ज़्यादातर देखती हूँ मैं, बहुत अच्छा है वो, तो ऐसी बातें सब बोलते हैं, लोगों को समझाते हैं, जुनून पैदा करते हैं जो कि इंसान क्या मतलब है, जो बहुत दिन से पेड़ नहीं होता है, जो पेड़ सूख चुका है वो भी हरा हो जाएगा उनकी बातें सुन के, वो चीज़ है, तो उनसे मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। और क्या कह सकते हैं, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, उम्मीद करती हूँ कि ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगी, अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो मेरे वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भी आई लव यू हमारी यूट्यूब फैमिली, इसी तरह इस दोस्त को साथ देते रहिए आप लोग आगे तक भी रहिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब्रा का ड्राइवर।